ज्ञानवापी विवाद पर एक और याचिका सुनवाई के लिए मंजूर। हिंदुओं को भगवान विश्वेश्वर की पूजा की अनुमति देने की मांग। आज वाराणसी के जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत 26 मई को करेगी सुनवाई। पहले 7-11 रूल वाली याचिका पर होगी सुनवाई। मतलब ये कि केस सुनवाई के लायक है या नहीं। कुतुब मीनार परिसर में पूजा की अधिकार वाली मांग वाली याचिका पर फैसला 9 जून को आएगा। साकेत कोर्ट ने पूछा कि जब परिसर के अंदर मूर्तियां रखी हैं तो फिर उसका कैरेक्टर कैसे तय होगा। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। हिंदू पक्ष ने कुतुब मीनार में हिंदू देवी देवताओं की 27 मूर्तियां होने का दावा करते हुए पूजा का अधिकार मांगा। एएसआई का दावा है कि 1914 में अपने संरक्षण में लिया था, तब वहां कोई पूजा पाठ नहीं होता था, इसलिए ये मांग ठीक नहीं है। कुतुब मीनार परिसर में ही बनी एक और मस्जिद मुगल मस्जिद में नमाज बंद कर दी गई है। मुगल मस्जिद के इमाम मौलाना शेर मोहम्मद का दावा 1976 से इसमें पहले से ही नमाज हो रही थी, इसलिए इन्होंने नहीं रोका। मैं 10 सितंबर 1976 से हूँ, 46 बरस हो गए। कितने ही सीओ आए, कितने यहाँ पर वो आए, डीजे वगैरह है, किसी ने भी नहीं रोका वहाँ। जालौन के संत मत्स्य सिंह गोस्वामी ने लगाया ताजमहल के अंदर फोटो गैलरी में मंदिरों की तस्वीरों को शौचालय के पास लगाने का आरोप। आंदोलन की चेतावनी दी। ये मूर्ति अगर नहीं हटेगी तो मैं सुबह 10 बजे ताजमहल के सामने आमरण अनशन करूंगा। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का विवादित ट्वीट। लिखा, मुगलों से भारत के मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं, लेकिन बताओ मुगल बादशाहों की बीवियां कौन थी। ओवैसी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ओवैसी सामाजिक समरसता बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। भारत के सामाजिक समरसता को छिन्न भिन्न करना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं। ये बयान नहीं है बल्कि गाली दे रहे हैं भारत के सनातन को। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ओवैसी पर पलटवार। कहा, मुस्लिमों के भस्मासुर हैं ओवैसी। दरअसल मुसलमानों के भस्मासुर हैं ये ओवैसी। अगर मुगलों से कोई संबंध नहीं था यहाँ के लोगों का, मुसलमानों का, तो मुगलों की स्मारकों पर क्यों आप बड़े जोर से हल्ला मचाने लगते हो। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर बड़ा तंज। कहा, महंगाई के लिए मुगल और बेरोजगारी के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, बीजेपी को मुसलमानों से दिक्कत है। खुल के आ गया उनकी जबान पर, औरंगजेब जिम्मेदार है पेट्रोल डीजल की कीमत का, अकबर बादशाह अकबर जिम्मेदार है कीमतों में इजाफा होने का, और शाहजहां जिम्मेदार है नौजवानों में बेरोजगारी। कमीशन खोरी के आरोप में गिरफ्तार पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री और उनके ओएसडी को कोर्ट में 3 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा। केजरीवाल ने कहा, मान सरकार पर नाज। बीजेपी ने कहा, आपका पाप सामने आया। मान के मंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर बीजेपी हमलावर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आंसुओं को घड़ियाली बताया। मान साहब के इस डिसीजन से लोग बहुत खुश हैं, बहुत बहुत खुश हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि कोई सरकार इतनी ईमानदार भी हो सकती है क्या। कह रहे हैं, प्राउड ऑफ यू भगवंत। ये जो घड़ियाली आंसू है ना, देश के घड़ियाल भी शर्मा जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी। मान सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे विजय सिंगला पर पुलिस कार्रवाई करने के आदेश दिए। चाहे अपने हो चाहे बेगाने हो, जीरो टॉलरेंस है हमारी रिश्वतखोरी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम अपने मंत्री पर सख्त एक्शन ले रहे हैं और पुलिस का मामला भी, पुलिस को उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दे रहे हैं। मान के मंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर बीजेपी हमलावर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आंसू को घड़ियाली बताया। मान साहब के इस डिसीजन से लोग बहुत खुश हैं, बहुत बहुत खुश हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि कोई सरकार इतनी ईमानदार भी हो सकती है क्या। कह रहे हैं, प्राउड ऑफ यू भगवंत। ये जो घड़ियाली आंसू है ना, देश के घड़ियाल भी शर्मा जाएंगे अरविंद केजरीवाल जी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान दौरे से लौटेंगे। पीएम आवास पर सुबह 11 बजे होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। बीजेपी मुख्यालय में आज कई अहम बैठक। बूथ मजबूत कार्यक्रम का शुभारंभ होगा दोपहर 3:30 बजे। जेपी नड्डा केंद्र सरकार में बीजेपी के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। अमित शाह बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। तेलंगाना के करीमनगर में बीजेपी आज हिंदू एकता यात्रा निकालेगी। कोरोना की वजह से 2 साल से नहीं निकली थी यात्रा। एनसीपी चीफ शरद पवार का बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला। कहा, सोचा था अयोध्या के बाद विवाद खत्म होने पर देश में शांति हो जाएगी, लेकिन ये एक विवाद खत्म हो तो दूसरा ले आते हैं। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया का बीफ खाने को लेकर बयान। सिद्धारमैया बोले, बीफ खाने वाले केवल एक समुदाय के नहीं होते, हिंदू भी खाते हैं बीफ, ईसाई भी खाते हैं। भोपाल की गलियों में रेड़ी लेकर निकले सीएम शिवराज। आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए जमा किए नए पुराने खिलौने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को गुजरात जाएंगे। पीएम गुजरात के राजकोट में पटेल समुदाय की एक बड़ी रैली को करेंगे संबोधित। इस रैली में हार्दिक पटेल भी हो सकते हैं शामिल। शिमला में मनेगा मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे होने का जश्न। पीएम मोदी 31 मई को करेंगे रैली। सरकारी योजनाओं के लाभार्थी भी होंगे शामिल। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। चुनाव में पार्टी के सीएम उम्मीदवार रहे अजय कोठियाल, बीजेपी में शामिल हुए। आज मीडिया से बात करेंगे नरेश पटेल। गुजरात में पाटीदारों का बड़ा चेहरा है नरेश पटेल। कांग्रेस में जाने के कयास आज कर सकते हैं बड़ा खुलासा। दूसरे दल में शामिल होने के सवाल पर आजम खान ने कहा, पहले किसी दूसरी कश्ती की तरफ देखा नहीं था, कोई सही कश्ती सामने आए। अभी मेरा पहले कोई माकूल कश्ती सामने तो आए, अभी तो मेरा जहाज काफी है। अभी तो जहाज काफी। यूपी विधानसभा में सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच तीखी नोकझोंक। सीएम योगी बोले, बीजेपी में नहीं चलता कि लड़कों से गलती हो जाती है। अखिलेश ने उठाया था महिला सुरक्षा का मुद्दा। समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ नहीं बैठना चाहते शिवपाल यादव। यूपी की विधानसभा में अपनी सीट बदलने के लिए स्पीकर को चिट्ठी लिखी। भतीजे अखिलेश यादव से चल रही है तनातनी। बिहार विधानसभा स्पीकर विजय कुमार फिर नीतीश सरकार पर भड़के। कहा, नीतीश राज में भ्रष्टाचारियों को मिल रही है पनाह। ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को संरक्षित अगर जो हम करेंगे तो जवाबदेही तय करेंगे ना। अगर जो ऐसे लोगों को संरक्षित करिएगा तो विधानसभा के अंदर कमेटी हमारी मौन नहीं रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी सारे विषय से अवगत कराया जाएगा। जेडीयू कोटे से केंद्र में मंत्री आरसीपी सिंह ने अपने ट्विटर बायो से जेडीयू हटाया। आरसीपी सिंह ने कवर फोटो में पीएम मोदी की फोटो लगाई। आरसीपी सिंह का राज्यसभा कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। जानकारी के अनुसार नीतीश आरसीपी को राज्यसभा भेजने के मूड में नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 150 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। बीजेपी ने कहा, बस केंद्र के पैसे से खरीदी गई। केजरीवाल ने दिया जवाब, लेकिन दिखाया ये जा रहा है कि दिल्ली की सरकार इन बसों को लॉन्च कर रही है। इसमें 1862 करोड़ रुपए अगले 10 साल में दिल्ली सरकार खर्च कर रही है। इसमें 150 करोड़ रुपए हमें केंद्र सरकार से मिल रहे हैं। कांग्रेस ने 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए टास्क फोर्स और पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप का गठन किया है। पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, गुलाम नबी आजाद के नाम। वहीं टास्क फोर्स 2024 में पी चिदम्बरम, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल जैसे नाम शामिल हैं। दिल्ली के लोकायुक्त ने एबीपी न्यूज के ऑपरेशन पी का संज्ञान लिया। 15 अप्रैल को दिखाए गए स्टिंग ऑपरेशन में घूस लेते कैमरे पर कैद हुए थे दिल्ली के कई पार्षद। वीजा भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई का शिकंजा। कार्ति चिदंबरम समेत केंद्रीय गृह मंत्रालय के कुछ अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। चीनी कंपनी के लोगों को गृह मंत्रालय से वीजा दिलाने के मामले में हो रही है पूछताछ। रांची में आईएएस पूजा सिंगल के करीबियों पर ईडी की छापेमारी। विनायका ग्रुप के मालिक विशाल चौधरी के ठिकाने पर भारी मात्रा में नकदी बरामद। ईडी ने नोट गिनने की मशीन मंगवाई।
केरल की आलापुड्डा में पीएफआई के मैच में आपत्तिजनक नारेबाजी को लेकर पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया। केरल पुलिस ने पीएफआई की रैली में नाबालिग द्वारा भड़काऊ नारेबाजी करने के मामले में केस दर्ज किया। 21 मई को आयोजित हुई सेव द रिपब्लिक रैली में नाबालिग बच्चा लगा रहा था नारे, धार्मिक नफरत फैलाने का केस दर्ज। टेरर फंडिंग मामले में दोषी ठहराए गए अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा पर आज एनआईए की विशेष अदालत में बहस होगी। निर्दलीय सांसद अमरीत राणा ने मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे और शिवसेना नेता अनिल परब के खिलाफ सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई है। आंध्र प्रदेश में कोना सीमा जिले का नाम बदलने का भारी विरोध। अमलापुरम में भीड़ ने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और विधायक का घर फूंका। पथराव में 20 पुलिसकर्मी घायल। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में दो आतंकी हमले। श्रीनगर में पुलिसकर्मी की हत्या। कुलगाम में थाने पर ग्रेनेड हमले में 3 लोग जख्मी। बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर अविनाश दास को नहीं मिली बॉम्बे हाईकोर्ट से कोई राहत। राष्ट्र ध्वज के अपमान और केंद्रीय गृह मंत्री की छवि खराब करने का आरोप। यूपी के कानपुर में एक बच्चे की मां ने किया नाबालिग लड़के से जबरन निकाह का वीडियो आया सामने। कैमरे में बंद कर मौलवी का विवाह कराने का आरोप। हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद 4 लोग गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में 8 साल की मासूम के साथ रेप। सोते समय घर से उठाकर बच्ची को ले गया था आरोपी। बच्ची के चीखने पर आरोपी हुआ फरार। पीड़ित की मां की शिकायत पर केस दर्ज। बिहार के दरभंगा में पिता पर बेटी की हत्या का आरोप। फोन पर किसी से बात करने पर बेटी को पानी में डुबोकर मार डाला। लाश को नदी में फेंका। पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश की बस्ती में नौकरी दिलाने के नाम पर युवती से दुष्कर्म। पीड़ित का बयान बनाया अश्लील वीडियो भी। पीड़ित ने पुलिस पर भी जांच में लापरवाही का आरोप लगाया। लालगंज थाना क्षेत्र की यह वारदात है। उत्तराखंड के पौड़ी में ग्रामीणों ने पिंजरे में फंसे गुलदार को किया आग के हवाले। सपलोड़ी गांव में महिला की मौत से आक्रोशित लोगों ने गुलदार को जला दिया। आदमखोर को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने लगाया था पिंजरा। बिहार के बक्सर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। रामरेखा घाट और पीपी रोड पर हुई कार्रवाई। दुकानों के आगे के अतिक्रमण को तोड़ा गया। सड़क पर नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को किया सीज। केदारनाथ यात्रा के दौरान 4 तीर्थयात्रियों की मौत। भारी ठंड की वजह से अब तक 34 यात्रियों ने दम तोड़ा। बिना तैयारियों के ठंड में 4 धाम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। केदारनाथ यात्रा पर खराब मौसम का असर। भारी बारिश और बर्फबारी के कारण यात्रा को रोका गया। फाटा और गौरीकुंड से हेलीकॉप्टर सेवा को भी रोका गया। पहाड़ों पर बारिश के बाद बढ़ी ठंड। हिमाचल के सोलन में बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट। कालका शिमला नेशनल हाईवे की 5 सड़क पर हुआ जलभराव भी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 418 नए केस मिले। कोविड पॉजिटिव 2 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना की संक्रमण दर 2.27% हुई। खाने का तेल होगा सस्ता। सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर 2 साल के लिए कस्टम ड्यूटी खत्म। लेकिन 20 टन तक के आयात पर ही मिलेगी छूट। अंग्रेजी लगे वो बहुत दूर है।
दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कुरियर सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। हाय, बाबा ने भेजा है। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News आपको रखे आगे।